नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हां, देखिए राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में कुछ रणनीति बनी है और इसी बैठक पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग लगभग 5.5 घंटे चली है। तो इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में राज्य की बची हुई सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि राजस्थान जो राज्य इकाई की तरफ से सभी सीटों पर पूरा होमवर्क नहीं किया जा सका। इस कोर ग्रुप बैठक में महज 69 सीटों पर चर्चा हो पाई है और बैठक में शामिल विश्वस्त सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान यूनिट से इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि उम्मीदवारों की लिस्ट पर होमवर्क पूरा नहीं किया गया है। तो वहीं देखिए, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम से दो टूक कहा है कि छोटे छोटे गुट बनाकर पार्टी का भला नहीं हो सकता है, लिहाजा राज्य कोर ग्रुप के सभी नेताओं को एक साथ बिठाकर या फिर परामर्श करके समग्र लिस्ट बनाई जाए और अगले दो दिन यानी कि 19 अक्टूबर को कैंडिडेट्स की अधूरी लिस्ट पर होमवर्क पूरा करके दोबारा दिल्ली आने को कहा गया है। तो देखिए, सूत्रों के मुताबिक राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं की एक बैठक 19 अक्टूबर यानी कि 19 या फिर 20 अक्टूबर से पहले दिल्ली में की जाएगी और जिसमें राज्य के बचे हुए 159 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर स्क्रूटनी या फिर इन नामों को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 19 और 20 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 20 अक्टूबर को ही राजस्थान बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने की पूरी संभावना है। हालांकि पार्टी सूत्रों ने ये बताने से इनकार किया है कि बीजेपी सीईसी में कितने नाम तय किए जा सकते हैं या फिर एक अनुमान के मुताबिक दूसरी सूची में लगभग 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है और इस दूसरी सूची में कुछ सांसद और बड़े नेताओं के नाम आने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं देखिए, मिली जानकारी के मुताबिक कोर कमेटी की मीटिंग में टिकट के साथ पार्टी की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान से जुड़े एक नेता ने बताया है कि बीजेपी राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जल्द ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। बीजेपी चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र देगी कि आचार संहिता लगने के बाद भी मुख्यमंत्री गहलोत की तस्वीरें तमाम सरकारी दस्तावेजों पर आ रही है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवाज़ पर हुई राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष के अलावा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और भी तमाम मंत्री मौजूद थे, शामिल हुए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।